स्वागत है मेरे चैनल थिंक टेक्निकल में। मेरा नाम है प्रवीण। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूँ मैं फेसबुक मैसेंजर के नए अपडेट के बारे में जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो आप सभी जानते हैं लॉकडाउन का टाइम है और लॉकडाउन के टाइम में वीडियो कॉलिंग कंपनी की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि ऑनलाइन वर्क ज़्यादा हो रहे हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले ऑनलाइन वर्क होते थे, कम होते थे, पर अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए ऑनलाइन जो वीडियो कॉलिंग कंपनी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जूम कंपनी हाल ही में आई है और उसके 100 मिलियन डाउनलोडर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोडर हो चुके हैं थोड़े ही दिनों में। क्योंकि थोड़े ही दिन हुआ है लॉकडाउन में, तो उसके डाउनलोडर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा हो चुकी है और उसमें प्राइवेसी बहुत कम है, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। उसमें डाटा बहुत सारा लीक हो रहा है, आपकी पेमेंट से रिलेटेड जो डिटेल है वो लीक हो रही है। हैकर आपके आपकी किसी भी डिटेल को या आपके बैंक अकाउंट को उसकी मदद से हैक कर पाएंगे। जूम कंपनी उसमें प्राइवेसी बिल्कुल कम है। तो उसी चीज़ को देखते हुए फेसबुक मैसेंजर ने नया अपडेट लॉन्च किया है क्योंकि इसमें फेसबुक में प्राइवेसी ज़्यादा है। आप पहले से फेसबुक को जानते ही हैं, तो फेसबुक मैसेंजर में एक से ज़्यादा लोगों को आप कॉलिंग कर पाएंगे। नया अपडेट किया है, इसके लिए आपको सबसे पहले मैसेंजर में जाना है और मैसेंजर में आपको फेसबुक मैसेंजर लिखना है। मैसेंजर के ऑप्शन पर जहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो अपडेट करना है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको साइड में पेन जैसा ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्रिएट ए न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्रिएट न्यू ग्रुप करेंगे आप। पहले का ग्रुप है तो उस पर भी आप कर सकते हैं, ये नया ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक साथ 50 लोगों का ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर में। पहले ये फीचर नहीं था, अभी अभी लॉन्च हुआ, तो मैं अभी अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस तरह से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट ए न्यू ग्रुप पर क्लिक करना तो आपको वो वाले सारे मेंबर चूज करने हैं जिनको अपने ग्रुप में ऐड करना है, जिनको आपको कॉलिंग करनी है या जिनसे आपको काम है, तो उस पर उन पर आपने क्लिक करना है, उनको ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रुप का नाम लिखना है, कोई भी ग्रुप का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलिंग करेंगे एक को, तो उसके बाद आपको सब जो मेंबर हैं उनको उनके साथ एक साथ कॉलिंग कर पाएंगे फेसबुक मैसेंजर में। तो बहुत ही अच्छा फीचर है ये फेसबुक मैसेंजर ने नया लॉन्च किया है क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन वर्क ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर फेसबुक मैसेंजर ने लॉन्च किया है क्योंकि अभी फेसबुक जो व्हाट्सएप, फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप है, तो उसमें भी लॉन्च करने वाली है नया फीचर, एक साथ 8 लोगों को आप ग्रुप कॉलिंग कर पाएंगे व्हाट्सएप में भी। तो इसमें भी पहले ही लॉन्च कर दिया है 50 लोगों को आप एक साथ कॉलिंग कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, अक्सर इसी तरह के टॉपिक में अपनी वीडियो में लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं, इससे हमें और वीडियो बनाने की एक उम्मीद हमें मिलती है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए।